नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल डूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी खबर लखनऊ से आ रही है। KGMU हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जमकर प्रदर्शन। सैलरी कटौती व समय से वेतन न मिलने से नाराज आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जमकर प्रदर्शन जारी। साथ ही संविदा कर्मी ने कुछ दिन पहले सैलरी समय से न मिलने पर डिप्रेशन में आकर लगाई थी फांसी। बड़ी संख्या में संविदा कर्मी KGMU में कर रहे हैं प्रदर्शन। जहां सैलरी कटौती व समय से वेतन न मिलने से नाराज हैं, वहीं बता दें कि कुछ समय पहले संविदा कर्मी ने सैलरी समय से न मिलने पर डिप्रेशन में आकर फांसी लगा ली थी। KGMU हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। खास रिपोर्ट देखिए रवि श्रीवास्तव के साथ। हम सब KGMU आउटसोर्सिंग समिति के कार्यरत कर्मचारी हैं और आज हम सबका ये उग्रवाद स्वभाव जो है ये हमारे हमें वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है उसको लेकर है। हम लोगों की सैलरी हर महीने लेट आती है। जो डेट कंपनी द्वारा निर्धारित की गई है उस डेट पे हमारी सैलरी नहीं आती है और उसके बाद हमारी सैलरी आती है जब मंथ की लास्ट में, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें कटौती करके आती है। हमारी सैलरी पे GST कटता है, हमारी PF पे GST कटता है और यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं है। किसी भी अधिकारी से बात कर लो, हमारा हमें कोई रजिस्टर छुट्टियाँ मिलती नहीं है और अगर हमें हमारा कोई वीकली ऑफ जो मिलता है उसकी भी हमारे जो सैलरी है वो काटी जा रही है। उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे मोर्चा निकाले हुए हैं और जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होंगी आए दिन ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे लिया 5,000 रुपए इन काट लिए सबका, हर कर्मचारी का पता नहीं कैसे काटा, 5,000 रुपए काट लिए इस वाले महीने में।